Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बेस्ट वे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जो राइबोसोम कोशिकांग होता है उसके बारे में हम जानेंगे। राइबोसोम है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के अंदर पाया जाता है और सबसे छोटा कोशिकांग है ये माना गया है। राइबोसोम की सबसे पहली विशेषता क्या होती है? राइबोसोम जो होता है कोशिकांग, ये राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है। सबसे पहली विशेषता नग्न कोशिकांग है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा कोशिकांग है जिसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको नग्न कोशिकांग कहा जाता है। जैसे इस प्रकार समझिए, जैसे हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके ऊपर दो झिल्लियां पाई जाती है। कितनी झिल्लियां पाई जाती है? दो झिल्लियां पाई जाती है। उसी प्रकार जो राइबोसोम होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी झिल्लियां नहीं होती है, नग्न कोशिकांग माना गया है, होता है नग्न कोशिकांग। और अगर हम बनावट की बात करें भाई, ये जो राइबोसोम है ये राइबोसोम किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो आपको ध्यान रखना, ये प्रोटीन और दूसरी चीज इसके अंदर जो आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए उससे मिलकर बना हुआ होता है। तो राइबोसोम है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो आपके जो प्रोटीन होती है उससे और एक आपका आरआरएनए जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि जो राइबोसोम है उसमें कौन सा आरएनए पाया जाता है या राइबोसोम कौन से आरएनए से बना हुआ होता है। फिर आपको ऑप्शन दे देंगे टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए। ये नाम ने लिखकर आपको इस प्रकार दे दिया जाएगा टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, इनमें से कोई नहीं या इनमें उपस्थिति नहीं होता, तब आपको राइट आंसर क्या देना है? राइबोसोमल आरएनए होता है, उसके द्वारा आरएनए। ये राइबोसोम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो काफी उपयोगी साबित हो सकती है एग्जाम के अंदर। जो राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखना है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि सस्यम के अंदर की और असीम के अंदर की। सस्यम के अंदर की को हम यूकैरियोटिक कहते हैं और असीम के अंदर की को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जैसे जीवाणु वगैरह है, माइकोप्लाज्मा है, ये जो कोशिकाएं होती है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। और जो जैसे मनुष्य की कोशिका है, भेड़ की कोशिका, चूहे की कोशिका है, सर्प की कोशिका है, तो ये जो कोशिकाएं होती है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। तो राइबोसोम जो होता है ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक सेल में कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं ईआर की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्दर्वी जालिका। जो ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्दर्वी जालिका, इसकी ये दो टाइप की होती है ईआर, एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी, जिनको हम बोलते हैं आरईआर और एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। उसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो ईआर होती है उसकी सतह पर, और यूकैरियोटिक कोशिका में जो ईआर है वो कौन सी? आरईआर, रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और वो किस प्रकार के होते हैं तब आपको उत्तर देना, 80S प्रकार के। किस प्रकार के होते हैं? 80S प्रकार के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और कहाँ पाया जाता है राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है
कोशिका द्रव्य के अंदर 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ईआर के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो है ही, कोशिका द्रव्य के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं 80S टाइप के। इसके अलावा और कहाँ पाया जाता है राइबोसोम? तो आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवण। माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवण ध्यान रखना है, ये दोनों जो कोशिकांग है इनके अंदर खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी कि जो राइबोसोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवण के अंदर पाया जाता है। पर यहाँ पर ध्यान रखना है विशेष रूप से, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवण के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? 70S टाइप के होते हैं। इसके अलावा जो कोशिका का केंद्रक होता है, यूकेरियोटिक कोशिका का केंद्रक होता है, उसके अंदर भी राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो कहाँ कहाँ पर उपस्थित होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम? तो जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो खुरदरी अंतर्द्रवी जाली का होती है आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सतह पर भी क्या पाए जाते हैं? 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर भी 80S टाइप के जो माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवण के जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, ये दोनों कोशिका इनके अंदर है वो 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम कहाँ पाए जाएंगे यूकेरियोटिक कोशिका में? दो जगह, हरितलवण के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा अब हम बात करते हैं केंद्रक के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये बात हुई किसकी? ये बात हुई है आपके यूकेरियोटिक कोशिका की। अब हम बात करते हैं भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है उस कोशिका द्रव्य के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखोगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप के राइबोसोम कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं। तो जो नग्न कोशिका होता है राइबोसोम, ये दोनों जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी होगा और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर भी होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करेंगे जो राइबोसोम होता है उसकी खोज किसने की थी। तो राइबोसोम की जो खोज है जंतु कोशिका में पेलाटे नामक वैज्ञानिक ने की थी, और दो वैज्ञानिक और हैं, एक का नाम है रोबिनसन और एक का नाम है ब्रह्म। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो सेम पादप होता है उसकी जड़ों की कोशिकाओं के अंदर इसको देखा था। अब हम बात करते हैं जो राइबोसोम है उसके आकार का निर्धारण है वो किस प्रकार किया जाता है। तो राइबोसोम का जो आकार है आपने सुना होगा 70S 80S, तो उनके अंदर जो पीछे एस लगा हुआ होता है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है सवेद वर्ग इकाई। एस का मतलब क्या होता है? सवेद वर्ग इकाई या औसत गुणा। तो उसके आधार पर जो राइबोसोम है उसके आकार का निर्धारण किया जाता है। श्वेत वर्ग इकाई के आधार पर राइबोसोम के आकार का निर्धारण किया जाता है। अब हम खुलकर चर्चा करेंगे 70S टाइप जो राइबोसोम होता है उसके ऊपर। 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो 70S टाइप का जो राइबोसोम है ये आपके एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, एक ये हरितलवण के अंदर पाया जाता है, और एक ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके अंदर पाया जाता है। तीन जगह है वो आपका 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। तो 70S टाइप का जो राइबोसोम है ये किससे मिलकर बना होता है? ये दो छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। दो छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक उप इकाई है उसको हम बोलते हैं 50S, और एक को बोलते हैं 30S। 50S और 30S ये दो उप इकाइयां मिलकर 70S टाइप का राइबोसोम बनाती है। अब कुछ जो विद्यार्थी हैं ये सोच रहे होंगे कि ये 70S है और वहां पर जो योग हो रहा है 50 और 30 का वो 80 हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो 50S उप इकाई है वो 30S, छोटी जो उप इकाई है 30S वाली, ये 30S वाली नीचे पाई जाती है, और जो 50S वाली उप इकाई है वो इस 30 वाली के ऊपर पाई जाती है। तो 50 वाली 30 वाली का कुछ भाग है वो ढक लेती है, इसलिए जो औसदन गुणांक है वो 70
यह शब्द है, इसलिए इसको चित्तर इस प्रकार के राइबोसोम कहा जाता है। ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं 80S टाइप के राइबोसोम की, 80S टाइप के राइबोसोम की। तो जो 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? तो 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं ये आपके यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, केवल यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर मुख्य रूप से जो ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है आरईआर, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, उसकी सतह पर पाए जाते हैं। और जो यूकेरियोटिक कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। ये 70S टाइप के जो राइबोसोम है उनसे क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। अब जो 80S टाइप के राइबोसोम है ये भी दो उप इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है 60S और एक होती है 40S। वही बात है, 60S और 40S का जो योग है वो 100 होता है, परंतु ऐसा नहीं है। जो बड़ी उप इकाई है छोटी उप इकाई का कुछ भाग क्या कर लेती है, ढक लेती है। तो 60S और 40S है ये उप इकाइयां होती है किसकी? 80S टाइप के राइबोसोम की। अब हम बात करते हैं ये राइबोसोम में ये क्या काम करते हैं। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का। ये किस प्रकार होता है प्रोटीन संश्लेषण? सामान्यतः जो 80S और 70S टाइप के राइबोसोम है इनकी जो उप इकाइयां हैं ये कोशिका द्रव्य के अंदर अलग अलग पाई जाती है, यानी कि जुड़ी हुई नहीं रहती सामान्य अवस्था में। यानी कि जैसे 70S टाइप का राइबोसोम है तो उसकी जो उप इकाइयां हैं 50S और 30S वो कोशिका द्रव्य के अंदर अलग अलग पाई जाती है। परंतु जब कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण करना होता है तो उस समय क्या होता है, एक आयन होता है मैग्नीशियम आयन। उस मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है कि उप इकाइयां जुड़ेगी या अलग अलग होगी। जब प्रोटीन संश्लेषण करना होता है कोशिका को तो उस समय क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के समय जो उप इकाइयां आपस में जुड़कर एक पूर्ण राइबोसोम का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। और जितने भी राइबोसोम हैं कोशिका द्रव्य के अंदर वो सारे के सारे कोशिका द्रव्य के अंदर जो मैसेंजर आरएनए होता है या जिसको हम बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए उसके ऊपर लग जाते हैं सारे के सारे। और जब ये एक श्रृंखला बन जाती है इस प्रकार सभी राइबोसोमों की तो उस समय उस स्थिति को बोला जाता है पॉलीराइबोसोम। क्या बोला जाता है उस समय? पॉलीराइबोसोम या बहुराइबोसोम या पॉलीसोम इसको बोला जाता है। इस कंडीशन को, किस कंडीशन को? प्रोटीन संश्लेषण के समय जितने भी राइबोसोम होते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर लग जाते हैं, चिपक जाते हैं मैसेंजर आरएनए से, उस स्थिति को बोला जाता है पॉलीराइबोसोम बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। जो एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, जो बड़ी उप इकाई होती है राइबोसोम की वो होती है गुम्बद आकार की, जो मंदिर के ऊपर गुम्बद होता है उसके आकार की। और जो छोटी उप इकाई होती है वो होती है अंडाकार टोपी नुमा आकृति की होती है। अब हम बात करते हैं जो राइबोसोम होता है उस राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है कोशिका के अंदर। कभी भी पूछे इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ये किस प्रकार करता है प्रोटीन संश्लेषण? अभी मैंने बताया जो मैसेंजर आरएनए होते हैं उसके ऊपर राइबोसोम चिपक जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित करते हैं ये राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए पर जो सूचना होती है एमिनो अम्लों के क्रम की, ये दोनों आपस में मिलकर है प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। इसके बाद में हम इसके रासायनिक संघटन की बात करें। अगर इसके रासायनिक संघटन की बात करें।